all. I hope you all are doing well. This is me, Ritika Kothiyal, and welcome to my new video, new vlog. तो जैसे आप सब लोग देख रहे हैं मेरे बैकग्राउंड में, मैं घर पे तो नहीं हूँ, मैं कहीं तो आ रखी हूँ. तो मैं बता देती हूँ, तो हम लोग का प्लान बना है चकराता जाने का. तो चकराता हम लोग जा रहे थे पहले, उसके बाद क्या हो, वहाँ में सब मतलब पुलिस वाले थे, तो उन्होंने कहा कि नहीं वहाँ पूरा पैक हो रखा है, वहाँ मतलब बिल्कुल जगह नहीं है, तो तुम बैराट खाई है वहाँ जाओ, वहाँ तुम्हें पूरी बर्फ़ मिलेगी. बट हम लोग जैसे ही बैराट खाई वाले रास्ते पे हैं, अभी हम बैराट खाई वाले रास्ते पे ही हैं, हम वहाँ आए, सभी गाड़ी वालों ने कहा कि नहीं बर्फ़ कुछ भी नहीं है वहाँ पे. अभी हम लोग रुके हैं, अब वापस चकराता जा रहे हैं. तो यहाँ से व्यू काफ़ी अच्छा आ रहा था, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को भी दिखा दूँ यहाँ से व्यू, बैराट खाई वाले रास्ते पर जो व्यू है. तो मैं एक बार आपको बैकग्राउंड से दिखाती हूँ. चल ढूंढ लाए सारी मासूम सी खुशियां, चल भूल जाए फासले तक. पूरी बारिश थी और आप लोग को पता है मैं देहरादून से हूँ, मैं देहरादून रहती हूँ मतलब. तो देहरादून वालों का क्या होता है, बर्फ़ बाद में पड़ती है, चकराता मसूरी पहले चले जाते हैं. तो बस वही हम भी उन्हीं में शामिल हैं, हम भी आ रखे हैं चकराता बर्फ़ देखने के लिए. देखते हैं यार बर्फ़ दिखते नहीं दिखते, क्योंकि सब कह रहे हैं बर्फ़ तो पड़ी है बट अब इतनी नहीं है, पैक हो रखा है पूरा, समझ नहीं आ रहा क्या है. बैराट खाई में तो नहीं है बर्फ़ अब, मतलब बहुत थोड़ी सी है बट नहीं है बस, क्योंकि सब मनाही कर रहे हैं जाने को. तो चलो ब्लॉग में बने रहना, दिखाती हूँ मैं आपको सब कुछ. कहाँ आ रखे हो आप? है कहाँ आ रखे हो आप? हम ये बड़ाई कोटा, बड़ाई कोटा चकराता के पास है. बड़ाई कोटा यहाँ का नहीं, कुछ और था नाम, बड़ाई टूटा ना ना, बड़ाई छोटा नहीं था, मौसम बड़ाई टूटा भाई नहीं. तो ये तो प्लान में थोड़ा सा चेंज आता हुआ, हम लोग को जाना था चकराता, फिर मैंने आपको बताया वो जगह जहाँ हम लोग आए थे, अब वहाँ से फिर थोड़ा सा प्लान चेंज हुआ. खैर वैसे बोलते हैं कि जहाँ का भगवान का जब बुलावा आता है तो हमें पता नहीं होता, हमें जाना होता है बस, ठीक है. तो वैसे ही हमारे साथ कुछ आज हुआ, हम आ रखे हैं महाशिव देवता मंदिर थैना. तो हम लोग ऐसे ही चल रहे थे और फिर तब तक पता नहीं क्या हुआ, वहाँ पे मंदिर का नाम पड़ा, सबने कहा कि चलने क्या महाशिव देवता, तो बुलावा था, आ गए हम लोग. और ये मंदिर अगर मैं आपको दिखाऊँ ना, मैं अभी नीचे से ये देख रही हूँ, बहुत सुंदर मंदिर है. अब मैं आपको ऊपर जाकर दिखाती हूँ मंदिर. तो और एक बड़ी सुंदर को मैं पास से दिखाती हूँ आपको, मैं आपको पास से दिखाती हूँ. आई अच्छा सॉरी तो यार राहुल के साथ. तो मैंने आपको दिखाया ये पूरा, ये जो महाशिव देवता का मंदिर है, और ये पूरा मंदिर जो है ना वो ना लकड़ी से बना हुआ है. तो आपको पता है, आपने अगर आपने मेरे सब्सक्राइब करा है चैनल को, अगर आप मेरी ब्लॉग्स देखते हैं तो आपको पता होगा मुझे लकड़ी की मकान मंदिर कितने पसंद है. मैंने इनफैक्ट एक डाला हुआ भी है, पूरा लकड़ी का मकान था वो. तो ये पूरा लकड़ी का मंदिर है, और अभी मैं अगर अंदर जाना, कैमरा अलाउड होगा अंदर ले जाना, तो मैं अंदर का भी आपको दिखाती हूँ. चल ढूंढ लाए
सारी मासूम सी खुशियां। चल भूल जाए फासले बारिश हो गई है बहुत तगड़ी वाली, तो हम लोग आए थे बर्फ देखने को यहाँ पे और बारिश लगी है, सब खुश हो गए बारिश लगने पे क्योंकि हम बर्फ का ही वेट कर रहे थे। मैं दिखाती हूँ आपको, ये महासू देवता के मंदिर से पूरा व्यू। तो महासू देवता के हमने दर्शन कर लिए, और जैसी एक और चीज़ हमारे साथ पता क्या हुई है, जैसी हमने महासू देवता एंटर किया ना, वैसे इतनी तेज, और जबकि धूप लगी थी इतनी तेज बारिश लगी है ना, इतनी तेज बारिश, और जैसी हमने अपनी मतलब वो पूरा दर्शन वर्शन कर लिए, जैसे हम निकले अभी देखो इतनी तेज धूप लगी है। और मैंने देखो वीडियो में भी दिखाया कि बारिश कितनी तेज लग रही थी, तो जहाँ तक मैंने सुना है कि बारिश का होना शगुन कहते हैं, तो शायद पहली बात तो बुलावा आया वही बहुत बड़ी बात है, हमारा कोई प्लान नहीं था आने का। दूसरी बात बारिश हो गई तो मतलब सोने पे सुहागा वाली बात है, बहुत अच्छा लगा यहाँ आके। तो ये थैना करके एक जगह है, और मैंने नाम भी आपको पढ़वाया है उसमें मंदिर का क्या नाम है, तो ज़रूर आना, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर मंदिर है, अच्छा है, व्यू वगैरह सब कुछ अच्छा है यहाँ पे। तो अब हम अपनी लोकेशन पे जाते हैं, नहीं पता कहाँ जा रहे हैं, हमें कुछ नहीं पता, देखते हैं क्योंकि प्लान तो ऐसे ऐसे रैंडम प्लान्स बन रहे हैं, तो देखते हैं हम कहाँ जाते हैं नेक्स्ट, दिखाती रहूंगी आपको। हाँ ये कितना सुंदर है, आधी गई हो सीधी बात कर दी आपसे। हाय हुआ है, इंजन गर्म हो गया, टायर में हवा कुछ कम होगी, हम बर्फ़ के लिए इतना वो हो चुके हैं ना, मतलब हम लोग कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं, कौन से रास्ते पहुँच गए हैं बर्फ़ देखने के चक्कर में, हमें बर्फ़ अभी तक नहीं दिखी, बट हाँ आगे जाके है बर्फ़ इतना तो हमें है, बट अब तक हमारी गाड़ी में थोड़ा सा दिक्कत आ गई है। मैं दिखाती हूँ आपको कैसे ऐसे धुआं उड़ रहा है गाड़ी से, तो हम लोग अभी बीच में रुके हुए हैं, और मैं यहाँ से ना आपको बैकग्राउंड व्यू भी दिखाती हूँ, हम थोड़ा सही जगह पर ही रुके हुए हैं। हमारे रोकी हुआ पीछे गाड़ी है, ये सब्र का फल मीठा होता है। टाइम 5:51 हो गया है, और हम अभी हैं चक्राता वाली रोड पे बर्फ देखने के चक्कर में, सोचा हाँ तो बर्फ के चक्कर में हम लोग इतना लेट हो रहे हैं, इतनी लेट हो रही है हम लोग को, तब भी है देखो ये सब लोग 6 बजे सोचे हम चक्राता, हमें देहरादून जाना है अभी और बहुत काम है, बट अभी फिर भी हम बर्फ के चक्कर में ना कुछ नहीं सोचते, बर्फ देख के खुशी यहाँ आई है हमारी, क्योंकि एक टाइम पे हो गया था कि नहीं दिख रही है आप घर जा रहे हैं, पर एक गाड़ी वालों ने हमें बताया कि हाँ बर्फ है, आप जाओ आगे जाओ 3-5 किलोमीटर दिख जाएगी, और हम आए और बर्फ दिख गई, और हम अब खेलेंगे, थोड़ी थोड़ी दिख रही है बट ठीक है ना, से तो अच्छी है। बहुत
गाना गजब ढा गया हमारी कुछ कम ना सही तुम अकेले तेरा तराना गजब ढा गया आजा चल सब आएगा व्लॉग में ये तो यहाँ पे हम लोगों ने बर्फ देख ली और टाइम कुछ 6:30 बताने कितना हो रहा है ए फ्लैश को फ्लैश को तो टाइम को 6:30 हो रहा है और ना हम लोगों ने थोड़ा थोड़ा बर्फ़ देख ली और अभी अंधेरा हो गया ना तो बर्फ़ में दिखा नहीं पाई आप लोगों को ज़्यादा थोड़ा थोड़ा ही पड़ी थी ज़्यादा तो पड़ी नहीं थी अब पड़ने वाली की बहुत संभावना है हाँ अब तो हम घर जा रहे हैं अब क्या ही फ़ायदा है तो ठंडा इतना नहीं है कमी है बट हाँ मज़ा बहुत आया आज का पूरा ट्रिप इतना अच्छा गया ना इतना अच्छा गया ना अब बस हम घर को निकल रहे हैं अब बस हाँ हो गया थोड़ी बहुत बर्फ़ मेन था कि बर्फ़ बस दिख जाए हमें बर्फ़ देख ली बस अब घर को जा रहे हैं आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो पता नहीं एंडिंग में बाद में कर पाऊँ या ना कर पाऊँ तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें कमेंट करें शेयर करें और हाँ जिन जिन ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल जाके सब्सक्राइब करें और किसी को चकराता आना है तो बर्फ़ पहले पता करके आएँ क्योंकि फिर बड़ा ऐसे मन ऐसे होता था कि यार शिट है ना मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट व्लॉग में तब तक के लिए बाय बाय टेक केयर बाय मम्मी करो अब किया